गाड़ी को सीज किया गया गैर जरूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। उसकी भी हमने मांग की है कि तत्काल जिन ऑफिसर्स ने इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाए, और हमारी जो कैंडिडेट हैं उनको चुनाव प्रचार और चुनाव कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भागीदारी की जाए। सर, थोड़ी देर पहले खबर ये आया है कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं भारती घोष, उनके खिलाफ इलेक्शन कर रहे हैं। खबर ये भी आ रहे हैं बांकुरा में भाजपा का कैंडिडेट है डॉक्टर सुभाष सरकार, उनको गहरा चोट लगा है, उनके सपोर्टर्स को गहरा चोट लगा है, हॉस्पिटल रश किया गया है। तो ये सिक्स फेज में ये जो वोट, देखिए मुझे लगता है वेरी अनफॉर्चुनेट, जो कुछ भी वेस्ट बंगाल में चुनाव के दौरान हो रहा है वो न केवल लोकतंत्र की छवि को खराब करने की कोशिश है, बल्कि पश्चिम बंगाल की गरिमामयी छवि को भी नुकसान पहुंचाने की तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रही है। पूरे देश में चुनाव हुआ, कहीं पर भी इस तरह का वायलेंस, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं दिखाई पड़ी। हम इतना जरूर जानते हैं कि ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडा तंत्र है तृणमूल कांग्रेस का, उस गुंडा तंत्र को जनता पश्चिम बंगाल की मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और दे रही है। और ये जो भय का माहौल है, जो गुंडे तंत्र का माहौल है, वो इसीलिए पैदा किया जा रहा है कि फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल न कर पाए। लेकिन 23 तारीख को जनता इसका सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब करेगी, और कई पार्टियों को अपनी चिंता कर लेनी चाहिए कि 23 तारीख को उन पार्टियों की मान्यता भी रद्द होने वाली है, क्योंकि उनको इतने वोट भी नहीं मिलेंगे जो मान्यता के लिए